फ्रेंड्स, यार आप पिछली क्लासेस में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना और जहाँ पर भी गलतियाँ हो सुधार लेना। ये सच है कि हर प्रयास करने वालों को सफलता नहीं मिलती, लेकिन ये भी सच है कि प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। क्या पढ़ाए ये एक सवाल है, कैसे सीखे पता नहीं है, कहाँ जाएं पता नहीं है, कैसे करें ये एक सवाल है। फ्रेंड्स, मैं ये सब सेंटेंसेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज इसी तरह के सेंटेंसेस के बारे में आपको टीच करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, तो चलिए। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फ्रेज एज सब्जेक्ट। फ्रेज एज सब्जेक्ट, व्हाट इज द फ्रेज? फ्रेज कुछ वर्ड्स समूह को बोलते हैं जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, या हम इसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जिसके वर्ड्स में आपसी तालमेल और विशेष संबंध होता है, लेकिन इसमें या इसके क्रिया यानी वर्ब और सब्जेक्ट यानी कर्ता में वो तालमेल नहीं होता जो क्लाउज या सेंटेंस में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम विस्तार से सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, फ्रेज एज सब्जेक्ट, क्या करें यह पता नहीं, दीज आर द वर्ड्स। ये वर्ड्स तो हैं जिसका आपसी संबंध काफ़ी अच्छा है, मीन्स आपसी तालमेल है सब वर्ड्स का, लेकिन इसमें वर्ब और कर्ता यानी सब्जेक्ट का कोई तालमेल नहीं है। तो क्या करें फ्रेंड्स? आपको याद होगा मैंने आपको एक बार पढ़ाया था इन्फिनिटिव, कि क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, कहाँ बैठे, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खरीदना है, इस तरह की सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से याद होगा, और सेम चीज़ है इसमें, बस थोड़ी सी फर्क है। और क्या फ़र्क है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, विस्तार से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, कि क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब, तो इसमें भी सेम वे है, वही रास्ता है। तो क्या करें या पता नहीं, क्या करें, क्या करूँ, क्या करना है, इतना सब मैंने पढ़ाया था आपको। तो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, यह पता नहीं है, सॉरी मैंने है लिखना भूल गया था मैं, यह पता नहीं है, तो इज नॉट नोन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ नो लिखेंगे, यानी कि नो का यानी नो मतलब जानना होता है, कि जानते हैं, तो नहीं जानते मतलब पता नहीं है, तो इज नॉट नोन। व्हाट टू डू इज नॉट नोन। फ्रेंड, काफ़ी फ्रेंड, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें इट लगाकर बनाते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड आप ऐसा मत करना, इसमें इट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यह दिया है इसलिए वो इट भी लगा देते हैं। व्हाट टू डू इट इज नॉट नोन, इसमें इट बिल्कुल ही नहीं लगेगा, आप इट लगाना ही मत। व्हाट टू डू इज नॉट नोन। क्या खाएं, यह एक समस्या है, क्या खाए, क्या खाना है, बनाइए। व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट, यह एक समस्या है, तो इज अ प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड, कैसे पढ़े, यह एक सवाल है, कैसे पढ़े, तो हाउ टू रीड, हाउ टू रीड इज अ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, कहाँ जाएं यह विचाराधीन है, कहाँ जाएं, तो कहाँ जाएं, कहाँ जाना है, कहाँ जाऊं, इन सारी सेंटेंसेस का एक ही इंग्लिश होगा, वेयर टू गो, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो कहाँ जाएं, वेयर टू गो इज
विचाराधीन का मतलब होता है कि कहाँ जाए विचाराधीन है। विचाराधीन का मतलब होता है कि अभी तक विचार किया जा रहा है उस पे कि हम कहाँ जाएं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाता है, वेयर टू गो इज अंडर कंसीडरेशन। ठीक है फ्रेंड, वेयर टू गो इज अंडर कंसीडरेशन। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने इसमें आधी जो चीज़ें हैं वो पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और बाकी की चीज़ें मैंने अभी आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेज हैं, आप इन सेंटेंसेज को अच्छी तरह से लिख लो और समझ लेना। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं कुछ और तरह के सेंटेंसेज बताता हूँ इसी में। राम गरीब है यह पता है, राम गरीब है यह पता है, इसमें क्या नहीं है फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अगर इस तरह की सेंटेंसेस आए और उसमें क्वेश्चन वर्ड ना हो तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, उसमें हम दैट से शुरू करते हैं। दैट राम इज पुअर इज नॉन। ठीक है फ्रेंड, राम गरीब है यह पता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। और जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह के जब सेंटेंसेस आए फ्रेज एज सब्जेक्ट, तो उसमें अगर क्वेश्चन वर्ड ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड, दैट लगाते हैं, दैट से शुरुआत करते हैं। और इसमें फिर यहाँ पे डबल बार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। राम गरीब है यह पता है, राम दैट राम इज पुअर इज नोन। ठीक है, श्याम तुम्हारा दोस्त था पता है, तो दैट श्याम सॉरी श्याम वॉज योर फ्रेंड इज नॉन। अगर यहाँ पे होता है कि मुझे पता है तो आई नो, ऐसा नहीं बोलना है, अगर मुझे पता है होगा तो इज नॉन टू मी, ऐसा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको लिख के अच्छी तरह से समझ लेना। आप समझ चुके हो ना, जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा उसमें हम दैट से शुरू करेंगे। अच्छा, हम कुछ और तरह के सेंटेंस बनाते हैं। क्या नहीं करे यह पता नहीं है, क्या नहीं करें यह पता नहीं है, यह क्वेश्चन वर्ड भी है और इसमें नेगेटिव भी है, तो हम कैसे बनाएंगे, व्हाट नॉट टू डू इज नॉट नोन। ठीक है, अभी कहाँ नहीं जाए यह सवाल है, वेयर नॉट टू गो इज अ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, नेगेटिव आएगा तो वेयर के बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद टू लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो था अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेज मीन्स फ्रेज एज सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेज को हम किस तरह से बनाते हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड, सिर्फ एक बार समझने की देर है, बस आप उसके बाद किसी भी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप उसके फॉर्मूला को समझ लिए हैं तो। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अभी तक का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क। आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझकर बना लेना, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, बाय।